शुभमन गिल ने अपना विकेट गिफ्ट कर दिया। जी हाँ, जोहान्सबर्ग में हुए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड T20I में कुछ ऐसा ही हुआ। गिल की ये हरकत देख भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ भी अपनी फ्रस्ट्रेशन छिपा नहीं पाए। बात भारतीय पारी के तीसरे ओवर की है। भारत टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रहा था। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बढ़िया शुरुआत कर दी थी। पहले दो ओवर्स में 29 रन बन चुके थे। पेसर और स्पिनर दोनों पिट रहे थे। तभी तीसरा ओवर लेकर आए केशव महाराज। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद गिल स्वीप करने गए, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे जाकर गिल के पैड पर लगी। गिल गेंद की फ्लाइट से बीट हुए और LBW करा दिए गए। उन्होंने यशस्वी से चर्चा की और रिव्यू ना लेने का फैसला किया। गिल 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। बाद में जब इसको दोबारा दिखाया गया तो पता चला कि गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी, यानी अगर गिल ने रिव्यू लिया होता तो आउट ना होते। गिल के आउट होने के रिव्यू ने कोच राहुल द्रविड़ को गुस्सा दिला दिया। एक्स पर शेयर हुई एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोच द्रविड़ गिल के विकेट से निराश हैं और उनकी निराशा इस विकेट के रीप्ले के बाद और बढ़ जाती है। इस विकेट पर लौटे तो इसके साथ ही गिल का T20I पावर प्ले में खराब प्रदर्शन भी जारी है। गिल ने T20I पावर प्ले की 10 पारियों में सिर्फ 145 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 118 का रहा है, जबकि औसत 14.50 का। गिल के तुरंत बाद भारत को एक और झटका लगा। नंबर 3 पर आए तिलक वर्मा खाता भी नहीं खोल पाए। महाराज ने उन्हें फुल लेंथ बॉल फेंकी। तिलक की आंखें चमकी, उन्होंने इसे मिड ऑफ के ऊपर से उड़ाने का फैसला कर लिया, लेकिन गेंद को सही हाइट नहीं दे पाए। गेंद सीधे जाकर एडन मार्करम के हाथों में गिरी और मार्करम ये कैच तो नहीं ही गिराने वाले थे। तिलक बिना खाता खोले वापस लौट गए। महाराज ने सिर्फ 1 रन देकर 2 विकेट निकाल लिए। भारत का दूसरा विकेट 29 रन पर गिर गया। हालांकि इसके बाद कप्तान सूर्य और यशस्वी ने मिलकर बेहतरीन बैटिंग की। दोनों ने सिर्फ 70 गेंदों पर 112 रन जड़ डाले। यशस्वी का विकेट 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिरा। तब तक स्कोर 141 रन था। यशस्वी ने 41 गेंदों पर 60 रन बनाए, जबकि सूर्य ने सिर्फ 56 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली। ये T20I में सूर्य की चौथी सेंचुरी है। इस मामले में उन्होंने रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी कर ली है। इस फॉर्मेट में इन 3 प्लेयर से ज्यादा सेंचुरी किसी के नाम नहीं है। भारत ने 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।